दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर चल रहा है क्वीन का टास्क, और कल हमने देखा था कि किस तरीके से सभी लोग इस टास्क के अंदर इन्वॉल्व थे और किस तरीके से घर के अंदर कई रिश्ते बन रहे थे, कई रिश्ते टूट रहे थे और कई लोगों के बीच में काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हो रहे थे। वहीं आज के एपिसोड के अंदर काफ़ी कुछ नया दिखने को वाला है। आपको बता दें कि आज का एपिसोड काफ़ी शानदार रहा। आज के एपिसोड के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले। जहां पर कई रिश्ते टूटे हैं तो कई रिश्तों की नींव जो रखी गई थी वो कमज़ोर होती नज़र आई, वहीं कई नए कनेक्शन भी बनते दिखे। वहीं आज का इस पूरे एपिसोड का हम रिव्यू लेकर आपके सामने आ गए हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या सही हो रहा है शो पे और क्या गलत। तो दोस्तों बात करते हैं स्टार्टिंग से क्वीन टास्क के बारे में। आपको पहले क्वीन टास्क के बारे में समझा देते हैं अगर आपको ध्यान नहीं है तो। क्वीन टास्क दरअसल घर के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी रानी बनी हैं और लड़के बने हैं प्यादे, जिनके अल्टीमेट किंग होने वाले हैं बिग बॉस। बिग बॉस इसके राजा हैं, वो फैसला लेंगे और समय समय पर डमरू बजाएंगे। सारी जो रानियां हैं वो डंजन यानी कि एक किले के अंदर कैद हैं और उनके जो प्यादे हैं वो बारी बारी वो एक चाबी को एक दूसरे से पहले उठाकर और उस डंजन को खोल के अपनी मर्जी की क्वीन को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही वो अपनी मर्जी की क्वीन को बाहर निकालेंगे वहाँ बाहर मटके रखें, मटकों में से किसी भी एक मटके को उठाकर कोई भी क्वीन तालाब में फेंक सकती है और जो भी मटका तालाब में जाएगा वो क्वीन की रेस से हो जाएगी बाहर। तो दोस्तों कल तक हमने देखा कि शेफाली और सहनाज बाहर हो चुकी हैं। शेफाली को देवोलीना ने बाहर निकाला और सहनाज को दलजीत ने। वहीं आज के शो की स्टार्टिंग काफ़ी शानदार तरीके से हुई। अगर हम आज के शो की बात करें तो आज के शो की स्टार्टिंग के अंदर हर बार की तरह सहनाज ही देखने को मिली, जहाँ पर कल की बातें हो रही थी। कल किस तरीके से दलजीत ने पलटी खाई, पारस सहनाज को समझाते हुए नजर आया कि किस तरीके से वो नहीं चाहता था कि सहनाज को बाहर निकाला जाए, लेकिन वो नहीं जानता था कि दलजीत जो है वो सहनाज को बाहर निकाल देंगी। वहीं इस बात का गम उन्हें भी है लेकिन उन्हें नहीं पता था, ना ही उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की। इस बात का बुरा सहनाज को बहुत ज़्यादा लगता है और वो सभी घर वालों से इस बात को लेकर डिस्कस भी करती नज़र आती हैं। वहीं पारस सिद्धार्थ दे से भी बात करते हुए नज़र आते हैं और वो सहनाज के लिए कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर उसके और मेरे बीच में कनेक्शन है तो वो मुझे ज़रूर समझेगी। वहीं इस बीच आरती और सिद्धार्थ शुक्ला नज़र आते हैं, जहां आरती सिद्धार्थ शुक्ला को समझाती भी नज़र आती है, उन्हें कहती भी नज़र आती है कि आप इतना गुस्सा मत करो, आपके लिए इतना गुस्सा सही नहीं है, आपको गेम के एंड तक जाना है। वहीं उन्हें ये भी कहती हुई नज़र आती है कि रश्मि के साथ आपकी लड़ाई क्यों हुई। तब सिद्धार्थ शुक्ला उन्हें समझाते हैं कि रश्मि के साथ बाद में जो मेरी लड़ाई हुई वो रोटी को लेकर नहीं थी, वो सहनाज के कान भर रही थी मेरे खिलाफ और इस बात का मुझे काफ़ी बुरा लगा। वहीं आज के एपिसोड के अंदर उतार चढ़ाव तो देखने को मिले ही। वहीं आरती को जब पारस ने पूरा मसला समझाया कि किस तरीके से वो सहनाज के साथ तो है लेकिन वो सबको नहीं बता सकता कि वो सहनाज के साथ है, वहीं आरती भी यही बात सहनाज को रात को समझाती भी नजर आई। पारस के कहने पर सहनाज को आरती ने कहा कि पारस सबके सामने बार बार सना सना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो सभी सना और पारस के खिलाफ हो जाएंगे और उनके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सना ये बात नहीं समझती। अब अगले दिन का टास्क शुरू हो जाता है। जैसे अगले दिन का टास्क शुरू होता है और बजर बजता है, इसी के साथ सबसे पहले चाबी हाथ लगती है सिद्धार्थ शुक्ला के, और जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला और सहनाज का रिश्ता है तो सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला सहनाज को बाहर निकालते हैं, और जैसा कि सब जानते हैं कि अब सहनाज किसका मटका फोड़ने वाली थी, सहनाज सीधा माहिरा का मटका उठाती है और चली जाती है तालाब के पास। तालाब के पास उसका मटका उठाती है और वो रीज़न देती है कि वो फेक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, मेरे कनेक्शन को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। वहीं वो घर में गॉसिप करती हुई भी नज़र आती हैं और उनके साथ उनकी तालमेल अच्छी नहीं होती। इसी बीच मायरा भी उनको काफ़ी टॉन्ट करती हुई नज़र आती है, उनको कहती है कि कनेक्शन आप जो घर पर बना रहे हैं वो तो बनेंगे ही, क्योंकि कोई भी यहाँ कनेक्शन घर से नहीं लेकर आया है। इसी बीच मटका डाल देती है वो तालाब में, लेकिन आपको सबसे चौंकाने वाली बात बताएं कि जैसे ही वो मटका तालाब में डालती है उसी के साथ पारस कूद पड़ते हैं तालाब में उस मटके को बचाने के लिए, और इसी के साथ सब उन्हें अप्रिशिएट भी करने लग जाते हैं और अब कई बड़े सवाल भी आकर खड़े हो जाते हैं। बड़े सवाल यूं कि सहनाज के लिए इतने एफर्ट्स नहीं दिखाए गए जितने माहिरा के लिए दिखाए गए, क्या माहिरा और सहनाज के बीच की अगर दोस्ती और लव इंटरेस्ट की बात हो तो किसे चुनना पसंद करेंगे। इस बात को लेकर सहनाज बहुत
गुस्से में हो जाती हैं और अब वो पारस के साथ भी काफ़ी नाराज़ नज़र आती हैं। लेकिन वहीं पारस समझाने की कोशिश करते हैं कि दोस्ती अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है, वहीं इन दोनों को आप एक जगह मत रखिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ पारस कई बार समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन शहनाज नहीं समझती। इसी बीच शहनाज और माहिरा की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लग जाती है। माहिरा और शहनाज एक दूसरे को इस तरीके से टॉन्ट करने लगती हैं और बातें कहने लगती हैं और एक दूसरे को हर बात पर छेड़ने लगती हैं। वहीं माहिरा कह देती है कि मैंने भी पंजाब में बहुत काम किया है। इसी बात को लेकर शहनाज बड़ा मुद्दा बना लेती हैं कि आप पंजाब की चीज़ों को बीच में ना लेकर आएँ। वहीं माहिरा क्लियरिफाई करने की कोशिश करती है कि मैं पंजाब की चीज़ों को लेकर नहीं बोल रही, मैंने पंजाब के कई गानों में काम किया है और हम वहाँ पर हिट होकर भी मुंबई आए हैं। इन दोनों की लड़ाई की वजह बने पारस। पारस की वजह से माहिरा और शहनाज के बीच में आए दिन खिटपिट होती रहती है। अब आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्या पारस गेम खेल रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच में लड़ाई कराने की उनकी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है। साथ ही साथ शहनाज के साथ उनका कनेक्शन अच्छा है, वो सबको कहते हुए भी नज़र आते हैं कि उन्हें शहनाज बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी वो शहनाज की बजाय प्रायोरिटी में माहिरा को रखते हैं। क्या ये भी सही है? शहनाज के जो कई सवाल थे वो सही सामने आते हैं, लेकिन अपनी फ्रेंड माहिरा को वो काफ़ी समय से अच्छे तरीके से सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। इसी बात को लेकर शहनाज को बुरा भी लगता है और शायद ये जेलेसी फैक्टर भी हो सकता है। सभी घर वालों को भी लगता है कि एक जेलेसी फैक्टर वाली चीज़ में से एक है, लेकिन पारस काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, माहिरा और पारस की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लग जाती हैं और इसी बात को लेकर अब शो आगे बढ़ता है। अब शो के बाद बारी आती है अगली बजर की। अगला बजर बजता है और इस बार चाबी उठाता है आसिम। दोस्तों, आसिम चाबी उठाता है और जैसे ही अंदर एंटर होता है सबकी नज़र उस पर होती है और वो नाम लेता है आरती का। अब आरती आती है और सीधा कोयना का मटका उठाती है और एक रीज़न देती है कि कोयना सबके सामने फेक बनती हुई नज़र आ रही है और इस फेकनेस की वजह से वो उनका मटका फेंक रही हैं, क्योंकि वो सिर्फ नॉमिनेशन से पहले ही सबसे बातें करती हैं, बाकी समय उनको दुत्कारती रहती है। और इस बात को लेकर कोयना के बीच में और आरती के बीच में वॉर शुरू हो जाता है। अब कोयना भी बाहर हो चुकी है कैप्टन सी यानी क्वीन की इस रेस से और अब कोयना को अपना गुस्सा उतारना है, जहाँ पर वो अब रीजंस को तर्क में तब्दील करने लग जाती हैं। वो कहने लग जाती हैं कि मैं सिद्धार्थ दे के पास इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मुझे नॉमिनेशन से पहले अपने रिश्ते ठीक करने थे, मैं इसलिए गई थी क्योंकि सिद्धार्थ दे ने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे सॉरी कहने के लिए बुलाया था। लेकिन आरती अपनी बात पर अडिग रहती है। वहीं पर कोयना उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारी तरह भीख नहीं मांगती नॉमिनेट ना होने के लिए। इस बात को आरती का काफ़ी बुरा लगता है और साथ ही साथ आरती ये भी कहती है कि मैंने कोई भीख नहीं मांगी, मैं सिद्धार्थ शुक्ला के पास गई थी एज अ फ्रेंड और मेरे में इतनी कैपेबिलिटी थी और मुझे इस गेम में रहना है कि मैंने उसे कन्विंस कर लिया मुझे नॉमिनेट ना करने के लिए, यानी मुझे सेव करने के लिए। वहीं कोयना के बीच में और इस लड़ाई के अंदर काफ़ी विशालकाय रूप ले लेती है, लेकिन जहां पर एक अलग ही तरीके की खिचड़ी बनने लग जाती है। दोस्तों, घर की बहुओं में सिर्फ अभी तक दलजीत देवलीना का ही नाम आया, लेकिन रश्मि को अभी तक और कोयना को अभी तक कोई बाहर नहीं लेके आया, जिस वजह से उनके कनेक्शन में लैप्स होने की वजह से अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आने लग जाती है। दोस्तों, अब देखना होने वाला है कि कैसे किस तरीके से अब दोस्तों के ये जो रिश्ते हैं ये किस तरीके से ख़राब होते हैं। वहीं अब रेस के अंदर है देवोलीना, दलजीत और रश्मि, तीन मटके बचे हुए हैं और एक आरती बची हुई है। आरती का मटका भी अभी तक किसी ने नहीं फोड़ा है, यानी कि अब ये चार लड़कियां हैं और इनमें से कोई एक क्वीन बनने वाली है। आपको आगे बता दें कि इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला जो है जैसे ही बजर बजता है वो चाबी उठाते हैं। अब सिद्धार्थ शुक्ला चाबी उठाते हैं तो वो सीधा शहनाज को बाहर बुलाते हैं और शहनाज को बाहर बुलाते ही अब समझ ही गए होंगे कि मटका किसका फूटा। दोस्तों, मटका फूटता है रश्मि का। इसके बाद शहनाज रीजन देती है कि आप लोग काम बहुत लेट तक करते हैं और मैं वहां पर इसलिए खड़ी होती हूं क्योंकि मुझे टाइम पास नहीं करना होता, मैं आपकी हेल्प कराने के लिए आती हूं, आप मुझे काम कहते हैं और इसलिए मैं काम करती हूं। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो आपकी लड़ाई हुई उसको लेकर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरा नाम बीच में इस्तेमाल हुआ, मुझे बेवकूफ कहा गया। इस बात को रीजन देती है और वो सीधा रश्मि का मटका बहुत जोर से स्विमिंग पूल में फेंक देती है और मटका फेंकने के बाद रश्मि के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं क्योंकि अब वो भी क्वीन की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है, यानी कि पूरी तरीके से ही बाहर हो
चुकी है। अब रेस से बाहर होने के बाद रश्मि कहती है कि अब असली गेम मैं इन्हें दिखाने वाली हूँ। अब तक तो मैंने कोई टास्क के अंदर या फिर कोई भी पर्सनल ग्रज रखी नहीं है, लेकिन अब रश्मि दिमाग से खेलना शुरू कर देती है। अब उनके दिमाग में पूरी तरीके से आ चुका है कि ये आरती का करा धरा है और अब वो भी किसी तरीके से बाहर निकलना चाहती हैं और आरती का मटका फोड़ना चाहती हैं। वहीं अब बीच में बाथरूम ब्रेक के लिए आती हैं खुद सहनाज बाहर, तो पारस उन्हें बात करने के लिए रोक लेते हैं। पारस उनसे कहते हैं कि तू घर में किसी से भी लड़, लेकिन तुझे माहिरा से नहीं लड़ना है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका कोई पर्सनल रीज़न है और वो पर्सनल रीज़न अभी बता नहीं सकते। लेकिन सहनाज कहती हैं कि तू किसी के साथ भी रहे, लेकिन मेरा तुझे बिल्कुल भी मायरा के साथ देखा नहीं जाता। मुझे तेरे साथ कनेक्शन बनाना है, अब इस घर में मैं तेरे साथ कनेक्शन नहीं बनाऊंगी। अपन कनेक्शन घर से बाहर जाके बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अब इस घर के अंदर मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह सामने आना चाहती हूँ। और इस बात को लेकर वो पारस को कहती हैं कि अब मेरी मर्जी होगी, मैं वही करूँगी। लेकिन दोस्तों मायरा के साथ लड़ाई ना करने के लिए पारस बहुत इंसिस्ट करते हैं, यानी कि पारस के पास कोई बड़ा प्लान है जो कि मायरा से रिलेट होकर फाइनल तक जाता है। वहीं अब दोबारा बजर बजता है और इस बार चाबी आती है सिद्धार्थ दे के हाथ में। सिद्धार्थ दे के हाथ में जैसे ही चाबी आती है, सबको लगता है कि वो अब शेफाली को ही बाहर लेकर जाएंगे। सिद्धार्थ हाथ में लेकर आते हैं फूल और शेफाली के लिए शायरियां कहते हैं, और इसी के साथ शेफाली को जैसे ही वो शायरियां कहते हैं, सभी को लगता है कि वो शेफाली को बाहर लेकर जाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ यहां पर एक अलग गेम खेल जाते हैं, वो शेफाली को बुरा बनने से बचा लेते हैं। सिद्धार्थ और शेफाली दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होता सभी को दिख रहा है। इस बार वो शेफाली को नहीं लेकर जाते बल्कि रश्मि को ले जाते हैं। अब रश्मि को जैसे ही वो बाहर लेकर जाते हैं, रश्मि उठाती है आरती का मटका। आरती का मटका उठाते ही वो उसे फोड़ देती है और रीज़न देती है कि आरती तुम अब तुम्हारी दोस्ती मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि अब तुम्हारी जो दोस्ती है वो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ सामने आ रही है और आप मुझे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी कर रही हो। वहीं मैं उनके कहने का मतलब ये था कि आप दोगला पत्ती कर रहे हो, आप सिद्धार्थ शुक्ला को जाकर हमारी सारी बातें कहते हो। इस तरीके से रश्मि ने अपनी बात भी कह दी और वो बुरी भी नहीं बनी। लेकिन दोस्तों अब क्वीन का चुनाव होने वाला था। अब हम आपको बताएंगे कि घर की पहली क्वीन कौन बनती है। दलजीत और पहली क्वीन के लिए देवोलीना दावेदार बनती है। वहीं अब दोनों के मटके बचे हुए होते हैं। इसी बीच सभी लड़के आते हैं और इस तरीके से पेश आते हैं कि अब वो उस चाबी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस बार चाबी हाथ लगती है अबू मलिक के। अबू मलिक बाहर आते हैं और वो देवोलीना को निकालते हैं। देवोलीना जैसे ही बाहर आती है, सब कन्फर्म हो जाता है कि अब दलजीत का मटका फूटेगा और इसी के साथ देवोलीना बन जाती है घर की पहली क्वीन। तो ये था आज का एपिसोड, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आज का एपिसोड सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, जुड़े रहे हमारे साथ क्योंकि मिलती है आपको बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।